गुप्तेश्वर पांडे और इसकी तुलना आप कैसे कर सकते हैं, क्या संबंध है इससे? या क्योंकि आपको सचिन बाजे को बिल्कुल बचाना है तो कुछ हैं। भी कह के बचाना है बस, अरे वो एक उसका कोई मतलब हो या ना हो। यानी तर्क तो दीजिए ना रवि जी, रवि जी कोई तर्क दीजिए ना। गुप्तेश्वर पांडे एक्सटॉर्शन में पकड़े गए थे, गुप्तेश्वर पांडे सस्पेंड हुए थे इसलिए कि भाई उनके ऊपर आरोप लगा था, उन्होंने मार दिया और लास्ट तक नहीं मिलने दी। बताइए ना रवि जी, या आपको सचिन बाजे को बचाना है तो कुछ भी बोल देंगे बस इसलिए। मैं नहीं बचा रहा हूँ, आप ये बचा कह रहा रहे हूं हैं कि जिस पांच में चार आदमी बैठे, पांच आदमी बात कर रहे हैं उसमें से चार नहीं आप बचा रहे हैं, केवल ये पता लग रहा है सबको बातचीत से। आप कहते हैं कि मैं नहीं बचा रहा, ये एक अलग बात है, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है। बचा रहा हूँ, मैंने पहले सेंटेंस में बोला है कि वो अपराधी अगर साबित होता है तो उसे सजा मिले। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बचा रहा हूं उन्हें, मैंने कभी ये नहीं कहा। पर इसके साथ में सरकार और कह तो शिवसेना भी नहीं रही कि हम बचा रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही लग रहा, आरोप तो यही हो रहा ना कि शिवसेना बचाने के लिए लगी हुई है पूरी पूरी। और अरे रवि मेरे जी, मित्र मैं मैं ये कह रहा हूँ, जब आप चैनल्स पे आम आदमी पे टोपी पहन के कर देते, अरे सर आपकी सारी प्लीज, हरकतें अरे भाई चमाल तो सर वो क्या गुनाह हो गया? ठीक है, वो अलग विषय है चमाल साहब, यहाँ रवि श्रीवास्तव के करियर पे या आपके करियर पे बहस नहीं हो रही ना चमाल साहब। मैंने भी आपसे नहीं पूछा कि वाजे को जिस केस में क्लीन चिट मिल गई उसमें वकील उनके आप तो नहीं थे कहीं, आपने कहा कि मैं उनका दोस्त हूँ। हाँ, जो बाप उन्हीं के लिए क्लीन चिट के लिए लड़ रहे थे अदालत में, यहाँ उनको दोषी साबित करने के लिए बैठे हैं। मैंने भी आपसे नहीं पूछा ना इस मामले पे, तो इस पे नहीं जाना चाहिए कि ये पहले आम आदमी पार्टी की टोपी पहन के बैठते थे। पर ये सवाल तो है कि रवि जी क्यों पूरी पार्टी के ऊपर ये आरोप लग रहा है और ऐसा दिख रहा है कि वो पक्ष ले रहे हैं सचिन बाजे का, सामने बैठते हैं तो कहते हैं कि उस पर कार्रवाई कर दो, उसकी जांच कर लो। तर्क नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। रवि जी बोलिए, इस प्लेटफॉर्म का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। रोहित ठीक ओके रोहित, बोले रवि, शिवसेना शिवसेना ये कहे या ना कहे, मैं कह रहा हूं इस बात को, मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूं कि जो भी कार्रवाई होनी है वो हो, अगर साबित होता है जुर्म उसके ऊपर तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सच्चाई ये है कि ये मामला कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आजाद जी, आप बताते है ऐसे ना जैसे आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कोई। एक्स्टोर्शन, ये बात तो हर बच्चा बच्चा कह रहा है कि सच्चाई तो वो नहीं है जो दिख रही है, बात सच्चाई कुछ और है, इसके पीछे कुछ बड़े लोग हैं, ये तो हर आदमी कह रहा है, बंबई का बच्चा बच्चा कह रहा है। बड़े लोग हैं तो निकालिए ना ढूंढ के उनको, बड़े लोगों को। और जब निकाल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि इनसे क्यों बोल रहे हो निकालने को, आपने खुद निकाला नहीं, आपने खुद निकाला नहीं, एटीएस ने निकाला नहीं, जब एनआईए निकाल रही है तो आप कह रहे हैं एनआईए से क्यों करवा रहे हो, किससे करा, आपसे करा दें? नहीं नहीं मुझसे मत कराइए, आप जिससे करा रहे कराइए। आपने कराया था सुशांत सिंह राजपूत केस में, सीबीआई से क्या निकला बोलिए मुझे, क्या दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है ना उसमें, जो भी सीबीआई फाइनल रिपोर्ट देगी माना जाएगा ना उसको, जो एनआईए कहेगी वो मान लीजिएगा फिर। क्या हुआ बोलिए भाई, सीबीआई अदालत के सामने रख देगी ना सारे तथ्य ले जाकर, अदालत तय कर देगी। आप तो यहाँ बैठ के तय करते रहे कि एनआईए से जांच करने का कोई लाभ नहीं है। अरे फिर मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि सेंट्रल एजेंसी लाए वहां पे, सीबीआई लाए, क्या हुआ वो बोलिए ना। तो इसका मतलब जांच ना कराएं, जांच छोड़ दें। और कोई आदमी अपनी गाड़ी में 5 लाख रुपए लेके घूमता रहे नोट गिनने की मशीन के साथ, कोई आदमी गाड़ियों में दिखता रहे जिसमें जिलेटिन मिले, उसको छोड़ दें, जांच ना कराएं, क्योंकि आपके हिसाब से जांच एजेंसी ठीक नहीं है और आपको खुद करनी नहीं क्योंकि आप उसके काबिल नहीं है। फिर आप पकड़ के उस व्यक्ति को फांसी पे लटकाइए, मगर साबित करिए। जांच हो रही है ना, आप तो जांच होने से पहले बैठ गए हैं कि एनआईए से क्यों करवा दिया, एटीएस चाय पिला रही थी, एनआईए कर रही है तो आप एनआईए से नाराज हैं कि एनआईए से क्यों करवा दिया? राजनीतिक कारण है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ आप, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप 30 लाइन में सीबीआई 27 बार बोलेंगे कि मैं सचिन बाजे को बचा नहीं रहा, लेकिन आपकी पूरी भूमिका वही होती है कि सचिन बाजे को बचाना कैसे है। गौरव भाटिया फटाफट कमेंट इस पर, उसके बाद विजय कृष्ण के पास जाना है, बोलिए गौरव भाटिया जल्दी। देखिए, अपने आप को कहना कि मैं निष्पक्ष हूं, सर्टिफिकेट देना वैसे ही है कि सचिन वाजे कहे कि मैं दोषी नहीं हूं, मैं एक कर्मठ और ईमानदार पुलिसकर्मी हूं। जो सवाल आज हर कोई पूछ रहा है, ऐसा क्यों है कि मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन वाजे को डिफेंड कर, शिवसेना असेंबली में डिफेंड करती, और सामना को पढ़िए तो सामना खुद कहता है नहीं, सचिन वाजे कोई ओसामा बिन लादेन तो नहीं है, डिफेंड करते हैं। तो जब सरकारी तंत्र और ये और बड़ी पार्टी मौका मौका हो जाता है खुद डिफेंड करेगी कि चलो किसी तरह सरकार जाए जो अपनी बन पाई नहीं, ये तिपैया सरकार जिसकी बैसाखियां भी टूट गई हैं, एक पहिया तो ये आपी खुद का ही था, अपने निकल वजन से आपकी गिरेगी, गाड़ी से उनकी क्या गलती, ये खुद ही अपने वजन से गिरने वाली है। जो बड़ा सवाल है कि किस तरह से वर्दी का इस्तेमाल किया जा रहा है आम जनता की सेवा के लिए,
वो इतने बड़े अपराधी हैं, 30 साल से उनके साथ शिवसेना की तिजोरी भरे